दोस्तों अपनी कैरावेन में पहली ट्रिप करने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में। एक तो है मनोज जी है और दूसरे जो है मैं फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। इनको पहचाना आपने कौन है? ये टाइगर वाले सुनील जी है। सुनील जी टाइगर आएगा क्या करोगे? कुछ नहीं, भाग लेंगे फिर से। ये देखिए दोस्तों पीछे का कैरावेन में हमने पीछे का बेड बना दिया है और आगे वाला भी हमने सोफा ही रखा है। हालांकि हम लोग तीन लोग हैं तो फिर वो वाला भी रात को खोल देंगे बेड। तो ये आप देख रहे हो अपना किचन, ये वॉशरूम, टीवी। अभी हम लोग पहुंचे हैं ये राष्ट्रपति भवन के आसपास है। पीछे का आप ट्रैफिक देख रहे हो और रास्ते में ऐसा कुछ दिखाने का है नहीं, तो अब सीधे मैं जहां हम लोग कैंपिंग करेंगे वहीं पे स्टार्ट करूंगा कैमरा। दोस्तों पीछे कैरावन दिख रही है हमारी। तो ये दिल्ली के पास में हमारा एक दमदमा एडवेंचर कैंप है गुड़गांव के पास में। तो ये कैरावन को लेके हम यहाँ पे आए हैं। तो ये इसका एक वीकेंड का पैकेज भी निकाला है मैंने, damdamalake.com पे पड़ा हुआ है कि अगर वन नाइट टू डे के लिए आप कैरावन लेके आते हो तो ये पूरा सिक्योर्ड एरिया है, कवर्ड बाउंड्री से, ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ एक फार्म हाउस है। यहाँ नाइट स्टे का ऑप्शन भी है, यहाँ कैरावन कैंपिंग का ऑप्शन भी हम दे रहे हैं जिसमें कि आप सिक्योर्ड होके पूरा सेटअप लगाते हो। छह लोग आ जाते हैं इसमें, एक बेड आपको ये दिख रहा है ट्रिपल बेड, क्योंकि अभी खाना बन रहा है तो दूसरा बेड हमने खोला नहीं है, रात को सोते वक्त खोल लेंगे। तो तीन लोग इधर, तीन लोग यहाँ, छह लोग इस गाड़ी में आ सकते हैं। टोटल खर्चा आता है, अभी अगर हम अक्टूबर 2022 की बात करेंगे तो 21,000 खर्चा आता है, जिसमें आपके घर से गाड़ी पिकअप करेगी, यहां लेके आएगी, नाइट होल्ड करेगी, रहना खाना गाड़ी में ही होगा और बाद में गाड़ी आपको ड्रॉप करेगी। दिन में लेक के किनारे भी खड़ी होगी, यहां से पास में ही दमदमा लेक है तो लेक के किनारे गाड़ी खड़ी होगी। रात को सिक्योर्ड जगह में पार्क्ड है, यहां हमारा स्टाफ भी होता है। अब मैं एक पूरा सेटअप दिखाता हूं आपको। इस तरह से गाड़ी की ये कैनोपी बाहर आ जाती है और गाड़ी के अंदर ये चेयर होती है, टेबल चेयर, टोटल छह लोगों के बैठने का इंतजाम है इसमें। ये बॉनफायर का जो तसला है ये भी गाड़ी में ही होता है। ये देखिए यहां से व्यू देखिए, ये कैंपिंग का सेटअप है। गाड़ी के अंदर एक टेंट भी है लेकिन अभी हमने लगाया नहीं क्योंकि हमको गाड़ी में सोना है। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर का दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी का वीडियो आपने देखा होगा, इस तरह से बैठ के चलने का है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लग जाती है लेकिन मैंने अभी लगाई नहीं क्योंकि फिर रास्ता रुक जाएगा, हमारे कुक साहब खाना बना रहे हैं। तो ये बैठने का इस साइड है, उधर हमने बेड खोला है और इधर क्या बना रहे भैया? सर इसमें आपका ये पनीर बटर मसाला है और इसमें दाल मखनी, दाल मखनी बन गई, ठीक है। रोटी भी थोड़ा गरम गरम सेकोगे? हाँ जी, हाँ जी, रोटी से मिसोगे, ठीक है। एक मिनट साइड आना, बेड दिखा दूं। ये देखिए दोस्तों हमारा अटैच वॉशरूम है, रनिंग वाटर वाला, और ये इसमें फ्लाइट वाला कमोड होता है, सक्शन वाला, और नीचे सेप्टिक टैंक भी होता है। पीछे आपको दिख रहा है वो एग्जॉस्ट फैन है। ये देखिए पीछे का डोर खोल दिए, इसमें पीछे के डोर में टेबल भी लगाई हुई है। तो ये आपका ट्रिपल बेड है, एक्चुअली डबल बेड नहीं, ट्रिपल बेड है। इधर से इसमें अच्छी खासी हाइट वाले, मेरी हाइट 6'2" है और मैं आराम से लेट जाता हूँ। और ये इस तरह से सेटअप, इसको परमानेंटली आप ओपन करके चल सकते हो गाड़ी में क्योंकि आगे बैठने के है ही इंतजाम। आप डोर खोल देंगे तो लेक के किनारे भी, जैसे हम दिन में खड़ी करेंगे तो पूरा व्यू आएगा पीछे का लेक का, और आपका बेडरूम लेक पे ही पहुंच गया। ये टेबल है, इसमें आप कुछ खाना पीना जो भी है स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। जो हमने चेयर साइड में लगाई है वो चेयर यहां भी लगा सकते हैं। ये देखिए अभी रोटी गर्मा गर्म बनेगी, इसके नीचे सिंक है, जिस वक्त आप खाना बना रहे हैं तो ये टेबल का काम करता है और सारे मसाले वगैरह यहां होते हैं। और ये हमारी चिमनी है, चिमनी भी हम ऑन कर सकते हैं यहां से, लेकिन वीडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा था तो मैंने अभी बंद की हुई है। तो इस तरह से खाना बन रहा है, बाद में गर्मा गर्म रोटी हो जाएगी। ये देखिए विंडो के बाहर ही कैंपिंग का सेटअप है, यहीं से खाना सर्व हो जाएगा। आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कुक तो 1200 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा है और साथ में कुक आएगा जो कि आपको कुकिंग करके देगा। इस तरह से देखिए ये गाड़ी खड़ी हुई है सेफ। और अगर कैरावेनिंग का आपको मजा लेना है दिल्ली के आसपास तो भी ऑप्शन है, अदरवाइज ऑल इंडिया परमिट है, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। पूरा लंबा हॉलीडे आप गाड़ी में करिए, होटल लेने की जरूरत ही नहीं है, वॉशरूम अटैच है। ये पीछे बेडरूम है परमानेंट, इसको बेडरूम बना के रखिए, आगे जब आपका खाना वगैरह बन जाए तो रात को सोते वक्त इसी तरह से इतना ही बड़ा बेड उस तरफ बन जाता है।
और ये है सेटअप। इधर से देखिए बेडरूम का भी दिख रहा है, ये आपका वरांडे का व्यू आ रहा है जहाँ आप कैंपिंग कर रहे हो। क्योंकि वो ऑनिंग ऊपर है तो उससे थोड़ा बॉनफायर बाहर हटके लगाया है क्योंकि उसमें नुकसान ना हो। दोस्तों मज़ा आ गया रात को सो के, और बड़ा कंफर्टेबल बेड है इसका। अभी चाय पी रहे हैं, फिर नाश्ता बना के फिर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों कैरावन का ये फ़ायदा है, इस तरह से इसमें टेबल लगी हुई है, तो आप अगर खड़े हो गए नाश्ता करना चाहते हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। अदरवाइज जो अपना ये सेटअप है, ऑनिंग लगी हुई है नीचे बैठ के, बारिश का भी कोई इशू नहीं है, आराम से नाश्ता करिए। तो किसी भी जगह लेक पे, जैसे अभी हमने दमदमा लेक के पास में गाड़ी लगाई हुई है कैरावन, अभी हम दमदमा लेक जाएंगे, तो इसका ये एडवांटेज है कि आप रात को नाइट होल्ड कहीं कर रहे हो, अगर आपको लगता है सेफ्टी का कोई इशू है, कहीं पर रुकना है, पूरा दिन आप अपनी मनपसंद जगह दो तीन जगह चेंज कर सकते हो। कहीं अगर रिवर साइड आप जा रहे हो तो रिवर के किनारे गाड़ी लगा के दो तीन घंटे चार घंटे जो आपको एंजॉय करना है, या वहीं पर आप खाना बनाओ गाड़ी के अंदर। और जैसे अभी हम लेक जा रहे हैं तो लेक पर गाड़ी खड़ी करेंगे, थोड़ी देर वहाँ टाइम बिता के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये एडवांटेज है कि आप अगर उस जगह, मान लीजिए आपकी आइटनरी में ऐसी जगह है जहाँ लेक भी है रिवर भी है, तो पहले आप लेक पर टाइम स्पेंड कर लो, रात को आप गाड़ी कहीं खड़ी कर दो और वो आपका बेडरूम पहुँच जाता है उस जगह पर। तो सारा सामान समेट लिया हमने इस तरह से, अब यहाँ से जा रहे हैं लेक पे और फिर आगे निकलेंगे। ये देखिए दमदमा लेक के किनारे आ गए, तो ये एडवांटेज है, पूरी झील है, अरावली हिल्स है, और यहीं पे हमने ये कैरावन खड़ी की हुई है, लेक साइड ही गाड़ी है। तो इसमें आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, बोटिंग होती है, सामने बोट हो रही है, वहाँ झूले वगैरह लगे हैं, कैमल राइड वगैरह होती है, दिन भर आप यहाँ लेक पे टाइम गुजारिए। रात को गाड़ी वहीं पार्क कर दीजिए जहाँ हमने कल पार्क की हुई थी, फुल सेफ्टी के साथ। तो दोस्तों देखा आपने कैरावन से दमदमा लेक वाला जो पैकेज है 1 नाइट 2 डे का, बड़ा ही कन्वीनियंट है। आप लेक साइड गाड़ी पार्क करिए, जैसे अभी हमने वो अपनी कैरावन खड़ी की हुई है सामने, और ये झील है, यहाँ से कैरावन से झील नज़र आ रही है। और आप बोटिंग करिए या कुछ भी एक्टिविटी करिए, आपका रूम समझ लीजिए लेक साइड रूम हो गया। रात को गाड़ी उस फार्म हाउस में पार्क कर दी है जहाँ पे सेफ्टी रहे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे कैरावन की और कैरावन ट्रिप की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।